नहीं, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। बच्चों, अब आवाज आ रही है आपको? ओके, इसमें सो अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पे इवेंट कवर किया है, वो हमने पीडीएच कॉम्प्लेक्स और पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इसका रिएक्शन देखा है, और इसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि जो रिएक्शन ये कैटालाइज करा रहा है, इट इज क्वाइट इररिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज उसकी डेल्टा जी वैल्यू जो है वो लार्ज भी है और नेगेटिव भी है। इसके अलावा हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि रिएक्शन कैटालाइज बाय पीडीएच कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन नेचर, यानी इसमें पाइरोवेट के अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है, द सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि पाइरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, इट इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स फाइव कोफैक्टर्स। अब इन फाइव कोफैक्टर्स में से दो कोफैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, यानी इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑब्जर्व करेंगे। ये बेसिकली रिएक्शन के बाद अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे। दो कोफैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और तीन कोफैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे, लेकिन एट द एंड हमारे पास ये जो तीनों कोफैक्टर्स हैं ये रीजनरेट भी होते हैं। लाइक पहला आपके पास जो कोफैक्टर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इस पीडीएच कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन में, इट इज कोएंजाइम ए। इस कोएंजाइम ए के साथ आप लोगों को SH भी लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कोएंजाइम ए एक ऐसा कोफैक्टर है जिसके अंदर जो रिएक्टिव या फंक्शनल ग्रुप है, इट इज थायोल ग्रुप। थायोल ग्रुप किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है नॉर्मली? मतलब है कि आपके पास सल्फर जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, SH की फॉर्म में, जबकि मेथियोनीन की अगर आप साइड चेन ऑब्जर्व करें ना, तो उसके अंदर आपका जो ये सल्फर एटम है, ये दो मिथाइलिन ग्रुप्स के दरमियान इम्बेड हुआ होता है, यानी यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप होगा नीचे, और इसी तरह से ऊपर सल्फर के साथ जो CH2 ग्रुप है ये बॉन्ड बना के इस तरह से इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। सो सल्फर बेशक दो अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट है, मिथियोनीन और सिस्टीन के अंदर, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड ऐसा है जिसका सल्फर एटम रिएक्टिव है, एंड दिस अमाइनो एसिड इज सिस्टीन। तो ये थायोल ग्रुप में इसकी बात करें, सो कोएंजाइम ए के अंदर आपके पास जो रिएक्टिव ग्रुप है, ये रिएक्टिव ग्रुप थायोल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इसको सम टाइम्स या बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जहां पे भी कोएंजाइम ए को लिखा हुआ देखेंगे उसके साथ ये SH आगे लिखा होता है, जो कि इसके फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। जैसे ये आप लोगों के सामने कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को लर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि कोएंजाइम ए के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। लाइक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें हमारे पास पेंटोज शुगर भी है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स भी हैं, लेकिन दो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है उसकी जगह देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ पेंटोथेमिक एसिड, और लास्ट पे हमारे पास बीटा मार्केप्टो इथाइल अमीन का जो ग्रुप है, जिसमें रिएक्टिव ग्रुप बेसिकली थायोल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, आप लोगों को सिर्फ ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। लाइक ये जो पोर्शन है पेंटोथेनिक एसिड, इसको हाईलाइट करके इसलिए दिखाया गया है बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अमाइनो एसिड, सॉरी विटामिन B5। सो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होगी, इट मींस के पेंटोथेनिक एसिड अवेलेबल नहीं है, सो कोएंजाइम ए की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ से हमें विटामिन की इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है कि विटामिन हमारी बॉडी के अंदर कोएंजाइम और कोफैक्टर्स को सिंथेसाइज कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोएंजाइम्स और कोफैक्टर प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होंगे, और अगर ये कोएंजाइम और कोफैक्टर सिंथेसाइज नहीं होंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये भी ऑपरेट नहीं होंगे। ये चीज क्लियर है मैम? ये
पैंथेनोइक एसिड वाला दोबारा रिपीट करते हैं। पेंटोथेनिक एसिड मैंने आप लोगों से कहा है कि इट इज एन एसिड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन B5। बी कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ विटामिन में एक विटामिन है जो कि पेंटोथेनिक एसिड है बेसिकली। सो ये विटामिन स्ट्रक्चर को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। अगर तो आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है यानी पेंटोथेनिक एसिड नहीं है तो कोएंजाइम ए भी नहीं बनेगा, और अगर कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि कोई भी फ्यूल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमें हर तरह के फ्यूल को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए उस एंजाइम में तब तक वर्क नहीं करना जब तक उसे कोएंजाइम ए नहीं मिलेगा। सो इट मींस कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। क्लियर? यस मैम। कोएंजाइम ए के अलावा जो सेकंड कोफैक्टर है आपके पास इट इज NAD+ जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन के अंदर, और आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन NAD+ अपनी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो कोएंजाइम ए और NAD+ ये दो ऐसे कोफैक्टर हैं जो कि रिएक्शन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि TPP लिपोएट और एसिड ये इंटरमीडिएट कोफैक्टर्स के तौर पे आप इन्हें कंसीडर करें कि ये रिएक्शन की प्रोग्रेस में तो हेल्प करते हैं लेकिन एट द एंड अपनी फॉर्म को रीजनरेट भी कर लेते हैं, यानी ये रिएक्शन के बाद अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते बल्कि रीजनरेट हो जाते हैं, अल्टीमेटली जो है ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। सो अब इस एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के पीछे जो केमिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके, सो अब जो दो कोफैक्टर मैंने आप लोगों से कहे हैं कि जो इस रिएक्शन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उन दो कोफैक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑब्जर्व करने लगे हैं कि किस तरह से वो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पाइरोवेट है, ये मैंने पाइरोवेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है दिस वन, और इसके साथ कोएंजाइम ए the second one, these are the you can say the major reactants, aur third one jo hamare paas hai it is NAD+. in teen units ne in teen substrates ne reaction ke andar participate karna hai. kis tarah se participate karna hai? first of all pyruvate dehydrogenase complex jaise hi is pyruvate ki decarboxylation karwayega yani ye wala jo unit hai isko yahan se remove karayega to hamare paas pyruvate is form mein aa jayega. पाइरोवेट अपनी इस फॉर्म में आ जाएगी, ऐसे ही है ना, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया है, तो इसकी वजह से जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें एक बॉन्ड का पोटेंशियल आ जाएगा। सिमिलरली कोएंजाइम ए से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। अब एट अ टाइम हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में दो इवेंट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन जिसमें ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है कोएंजाइम ए से, ऐसे ही है ना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। That's why हम PDH complex का जो reaction है उसे oxidative decarboxylation कहते हैं, क्योंकि इसमें carboxylation, sorry, decarboxylation और oxidation simultaneously हो रही है। अब इस oxidation और decarboxylation का net result क्या होगा कि ये जो दोनों groups हैं इन दोनों groups के अंदर bonding का potential develop हो गया, यानी इसकी भी valency disturb हो गई है sulfur की और यहाँ से इस carbon की valency भी disturb हो गई। सो एट द एंड ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लें, यानी पाइरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो हमारे पास एसिटेट ग्रुप बचेगा, दिस इज नाउ एन एसिटेट ग्रुप, इसे एसिटेट ही कहते हैं ना, टू कार्बन यूनिट CH3COOH। दिस एसिटेट ग्रुप जो है ये रिएक्ट कर जाएगा विद द कोएंजाइम ए, दैट्स व्हाई हम एंड प्रोडक्ट को कहते हैं कि इट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें हमारे पास जो एसिटाइल ग्रुप है इसने बॉन्ड बनाया है विद कोएंजाइम ए। सो अल्टीमेटली हमारे पास एक थायोईस्टर बॉन्ड डेवलप हुआ है। थायोईस्टर बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन अ थायोल ग्रुप, दिस ग्रुप, एंड अ
कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन, इसलिए हम इसे कहते हैं दिस इज थायोईस्टर बॉन्ड। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए में हमारे पास जो रिएक्टिव बॉन्ड है, द नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज थायोईस्टर बॉन्ड। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो मीडियम में रिलीज हो गई, लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन एज इट इज जो है वो मीडियम के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि वो NAD+ को रिड्यूस करके उसे कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, NADH को। तो अल्टीमेटली हमारे पास कोएंजाइम ए और एसिटाइल के दरमियान बॉन्ड बना है और NAD+ की रिडक्शन हो गई है इनटू दी NADH। बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो PDH कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन क्लियर है सबको? यस मैम। सो नेक्स्ट अब हम इस रिएक्शन की थोड़ी सी केमिस्ट्री देखते हैं। PDH कॉम्प्लेक्स में जो हमने चीजें यहाँ पे अभी डिस्कस की हैं कि इसमें तीन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, किस तरह से NAD+ जो है वो रिड्यूस होके NADH बनाता है, ये सारी चीजें हम लोग इस एंजाइम को इन डिटेल डिस्कस करने से क्लियर करेंगे। सो PDH कॉम्प्लेक्स को अगर हम इन डिटेल स्टडी करें, तो मैंने आप लोगों के सामने पहले ही इन तीन पॉइंट्स को रेज किया है कि PDH कॉम्प्लेक्स इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें यू हैव थ्री डिस्टिंक्ट एंजाइम E1, E2 एंड E3। अब हम इन तीनों जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को भी देखेंगे कि E1 ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, E2 ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और E3 का क्या रोल है बेसिकली। यानी इन तीन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली मैंने आप लोगों के सामने एक और पॉइंट रेज किया था कि PDH कॉम्प्लेक्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 5 डिफरेंट कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से FAD और NAD, इनको तो हम इन डिटेल देख चुके हैं। इसके अलावा FAD और NAD को हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं बायोएनर्जेटिक्स के साथ ही। थर्ड आप लोगों के पास यहाँ पे कोफैक्टर लिखा हुआ है, इट इज थायमीन पाइरोफॉस्फेट। इसको भी हम आगे से जब पेंटोज फॉस्फेट पाथ पे डिस्कस करेंगे वहां पे इन डिटेल देखेंगे। अभी आप लोगों को वैसे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दिस इज अ कोफैक्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर PDH कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पे आपके पास देयर इज एन अदर कोफैक्टर लिपोएट एंड फिफ्थ में यू हैव कोएंजाइम ए जिसमें रिएक्टिव ग्रुप है थायोन। सो इन पांच कोफैक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को बेसिकली 4 एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड हैं। यानी ये कोफैक्टर्स अगर आप चाहते हैं कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएं, यानी एनर्जी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होती जाए, तो आपको उस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये कोफैक्टर्स प्रोवाइड करने हैं। ये कोफैक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को विटामिंस चाहिए। So, एक विटामिन का जिक्र मैंने अभी आप लोगों से किया था पेंटोथेनिक एसिड का, जो कि कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम कोएंजाइम ए देयर आर अदर 3 कोफैक्टर्स जिनको प्रोड्यूस करने के लिए भी बॉडी को एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, और वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? लाइक FAD के लिए आपको राइबोफ्लेविन चाहिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में मल्टी विटामिंस कंज्यूम करता है, तो आप उनको अगर चेक करेंगे ना उनकी पीछे से डोज वगैरह चेक करेंगे, तो वहां पे आपको ये विटामिन्स बेसिकली लिखे हुए मिलेंगे सारे के सारे कि ये इसमें अवेलेबल है। सो राइबोफ्लेविन व्हिच इज विटामिन B2, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस FAD। यानी FAD का जो मेजर एक रिंग थी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में अपना रोल प्ले करती है, उस रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हमें राइबोफ्लेविन विटामिन चाहिए। सिमिलरली नियासिन विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NAD, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि NAD के अंदर हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट होता है, इट इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड में जो बेस है इट इज नियासिन। सो नियासिन अगर नहीं होगा, यानी विटामिन बी आपके पास अगर अवेलेबल नहीं होगा विटामिन B3, तो NAD की प्रोडक्शन जो है ये मिनिमाइज हो जाएगी। सिमिलरली थायामिन विच इज वाइटामिन B1, इसको ये आप लोगों को चाहिए है थायामिन पायरोफॉस्फेट की प्रोडक्शन के लिए। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइटामिन की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर या मेटाबोलिज्म के अंदर, सो इन 4 से 5 वाइटामिन को आप एज अ जस्टिफिकेशन यूज कर सकते हैं
कि दीज विटामिंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर एंजाइम फंक्शंस. सो अगर विटामिंस नहीं होंगे कोफैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, कोफैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे इट मींस कि एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं दे विल कम्स टू आवर हार्ट, वो रुक जाएंगे, वो रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं करेंगे. सो ये तीन पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रेज किए हैं. इसके अलावा जो पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है इसके पास कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होती हैं. ये तीन से चार पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए जब भी हम पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करें. सो फोर्थ पॉइंट आप लोगों के पास ये है कि पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के पास दो रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने में रोल प्ले करती हैं. ये जब हम रेगुलेशन की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे मैं अगेन ये पॉइंट रेज करूंगी और तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट है. तो ये दो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन काइनेज एंड प्रोटीन फॉस्फेटेज. काइनेज वी नो के ऐसे कोई सी भी प्रोटीन है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को एक डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ट्रांसफर करती है और फॉस्फेटेज वो प्रोटीन है जो कि उस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करती है. सो पीडीएच कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये दो प्रोटीन अवेलेबल है, प्रोटीन काइनेज एंड प्रोटीन फॉस्फेटेज. एक प्रोटीन उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगी और दूसरी प्रोटीन ऐसी है जो कि उसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा के उसकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने में अपना रोल प्ले करेगी. सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स की जिसे हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है. सो अब हमने पीडीएच कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन को देखना है कि किस तरह से पीडीएच कॉम्प्लेक्स किन स्टेप्स से होते हुए पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है और मीनवाइल एनएडी प्लस को एनएडीएच के अंदर रिड्यूस करता है. सो बेसिकली आपके पास जो मेजर इवेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करने लगी हूँ मेजर इवेंट्स को. फर्स्ट इवेंट इज द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम. दिस इज द फर्स्ट इवेंट. और इस इवेंट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा. इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. दिस इज द फर्स्ट इवेंट जिसको मैंने ब्लू कलर में आप लोगों के सामने जो है वो हाईलाइट किया है कि पाइरूवेट और कोएंजाइम ए ये दोनों आएंगे, रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और पाइरूवेट कन्वर्ट होने का एसिटाइल कोएंजाइम. सेकेंड जो मेजर इवेंट हमारी बॉडी के अंदर होगा रिडक्शन ऑफ एनएडी प्लस इनटू एनएडीएच प्लस प्रोटॉन. ठीक है, तो ये आपके पास जो मेजर इवेंट है जो कि इस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी के बाद हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट्स आएंगी उसमें से एक प्रोडक्ट होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए और दूसरी प्रोडक्ट होगी एनएडीएच जो कि अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में अवेलेबल होगी. सो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोग्रेस करता है, इन इवेंट्स की सीक्वेंस क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आप लोगों का कोई एक भी पॉइंट स्किप हो गया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. फर्स्ट मैंने आप लोगों के सामने बात की थी कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स के पास बेसिकली थ्री एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. सो यहाँ पे उन तीनों डोमेन्स को हाईलाइट करके दिखाया गया. जो आपके पास यहाँ पे ये येलो कलर में डोमेन है दिस इज द ई वन पोर्शन ऑफ पीडीएच. दिस इज ई वन. लाइकवाइज जो आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कलर में एंजाइम दिखाया गया है दिस इज द ई टू. और थर्ड में जो पिंक कलर में आपके पास एंजाइमेटिक यूनिट है इट इज ई थ्री. यानी पीडीएच कॉम्प्लेक्स के तीनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड इकट्ठे प्रेजेंट हैं और ये तीनों यूनिट्स मिलके, तीनों एंजाइम्स मिलके अल्टीमेटली रिएक्शन को जो है वो उसकी प्रोग्रेस में अपना रोल प्ले करेंगे. यानी अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट है वो कभी भी किसी एक यूनिट की वजह से नहीं बल्कि तीनों यूनिट की कम्युलेटिव एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपने ये देखनी है कि ई वन एंजाइम, आपका जो ई वन यूनिट है, ई वन पोर्शन है एंजाइम का, इसके अंदर जो मेन कोफैक्टर प्रेजेंट है इट इज टीपीपी, थायमीन पाइरोफॉस्फेट. इस सब यूनिट में प्रेजेंट है ई वन सब यूनिट के अंदर. इट मींस के अगर थायमीन पाइरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी है तो एंजाइम का पहला यूनिट ई वन यूनिट जिसने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है वो ही अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो आगे वाले रिएक्शन जो है वो भी नहीं होंगे.
तो पहली चीज आपने जो अपने माइंड में क्लियर की वो ये है कि पीबीएच कॉम्प्लेक्स के तीन यूनिट्स में से सबसे पहला यूनिट जो फंक्शन परफॉर्म करेगा इट इज E1 कॉम्प्लेक्स, E1 पोर्शन. E1 पोर्शन के अंदर द रिएक्टिव यूनिट इज पीपीपी थायमिन पाइरोफॉस्फेट. और ये बेसिकली इसका काम क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इसका मेन इवेंट या मेन फंक्शन क्या है कि ये पाइरोवेट के साथ बाइंड करता है. अब मैं साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि इस इवेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, बाइंडिंग ऑफ पाइरोवेट. पाइरोवेट विद E1 यानी E1 यूनिट वो यूनिट है जो कि पाइरोवेट के साथ बाइंड करेगा. तो पाइरोवेट के साथ बाइंड करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ से ये जो रिएक्टिव ग्रुप था, ये जो पोर्शन था कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, इसको रिलीज कर दिया. और पीछे जो आपके पास ये जो 2 कार्बन यूनिट है इसको थायमिन पाइरोफॉस्फेट ने अपने साथ अटैच करवा दिया. क्लियर है? लेकिन अटैचमेंट के लिए उसने इस यूनिट को रिड्यूस भी किया. यहाँ पे आप लोगों को ये ग्रुप किस फॉर्म में नजर आ रहा है, CH3COO-, इस फॉर्म में ये यूनिट प्रेजेंट है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के बाद. यानी ये पोर्शन एज इट इज अटैच होना चाहिए था ना, लेकिन पीडीएच कॉम्प्लेक्स में जो E1 यूनिट है उसने इसको एज इट इज अटैच नहीं करवाया बल्कि उसने इसको रिड्यूस करवाया है. और रिड्यूस किस तरह से करवाया कि उसने इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करवा दिए. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें दिस पोर्शन, यानी ये एसिटेट को एज इट इज अपने साथ अटैच नहीं करवाता बल्कि हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप की फॉर्म में उसे अटैच करवाता है. हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप वो ग्रुप है, वो फॉर्म है जिसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसकी रिडक्शन हुई है, इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हुए. अगर मैं इसको इस तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ कि ये डबल बॉन्ड की बजाय उसने इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गई है दिस वन, और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इधर अटैच होती है. अल्टीमेटली ये जो हाइड्रोक्सी इथाइल यूनिट है, इथाइल इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज ड्राइव फ्रॉम इथेन, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, और हाइड्रोक्साइल मीन के हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच है. सो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप जो है वो पीपीपी के साथ अटैच होगा. बच्चों इस स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन, पहला स्टेप जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया. मैं भी हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है समझ नहीं. मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये पीपीपी के स्ट्रक्चर का ही पार्ट है. पीपीपी ने अटैचमेंट के लिए अपने ही हाइड्रोजन यूज किए. मैम हाइड्रोक्सी इथाइल वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें. दोबारा बता रही हूँ, जो आप लोगों के पास फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास E1 पोर्शन है इस एंजाइम का, ये E1 पोर्शन बेसिकली क्या करेगा, ये पाइरोवेट के साथ बाइंड करेगा और पाइरोवेट को पाइरोवेट की डी कार्बोक्सिलेशन करा देगा. यानी ये जो यूनिट है यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसको रिमूव करवा देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पीछे हमारे पास एसिटेट ग्रुप बचा. पीपीपी क्या करेगा, इस एसिटेट ग्रुप के अंदर 2 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करा के इसे अपने साथ बाइंड करा देगा. बिकॉज टीपीपी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिटेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता, इसे बाइंडिंग के लिए इसको रिड्यूस करवाना है और ये रिडक्शन के लिए अपने 2 हाइड्रोजन इसमें इनकॉर्पोरेट करेगा और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप इसे अटैच करवा देगा. सो ये जो ग्रुप अब पीपीपी के साथ अटैच है इट इज नॉट एन एसिटेट बट इट इज एन हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप. सो टीपीपी अपनी अनबाउंड फॉर्म से हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. ये जो 2 एरोज यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं ये इस रिएक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दोनों स्टेप जो है इकट्ठे हो रहे हैं. जैसे ही पाइरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, पीछे वाला ग्रुप जो है वो अनबाउंड टीपीपी के साथ बाइंड हो गया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी. क्लियर है बच्चों? यस मैम. ओके, सो अब आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे पीछे क्या हुआ. दिस पोर्शन जस्ट अ मिनट, इस चीज को एक मिनट के लिए भूल जाएंगे ये क्या था और क्या नहीं. अब जो नेक्स्ट इवेंट है अगले से कोई लिंक नहीं है इसका, E1 का E2 से कोई लिंक नहीं है. मैं वही लिंक जो है एस्टेब्लिश करने जा रही हूँ, जरा 2 मिनट के लिए.
अब मैंने ये वाला जो स्टेप है इसको आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर के लिए हाइड किया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जितना भी टीपीपी E1 के अंदर प्रेजेंट था वो सारे का सारा हाइड्रोक्सीथाइल टीपीपी में कन्वर्ट हो गया, यानी वो फ्री फॉर्म में नहीं रहा, वो बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ऐसे ही है ना? यस मैम. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टीपीपी E2 के अंदर प्रेजेंट जो लिपोएट पोर्शन है, मैंने आप लोगों से कहा था कि E2 के अंदर हम टोटल PBH कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 कोफैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें से टीपीपी कहाँ पे प्रेजेंट है, E1 के अंदर, और E2 के अंदर जो कोफैक्टर प्रेजेंट है द नेम ऑफ दिस कोफैक्टर इज लिपोएट. क्या नाम है इसका? लिपोएट. लिपोएट के अंदर भी जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं दीज आर थायोल ग्रुप्स, ठीक है? और यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द लिपोएट पोर्शन, और ये लिपोएट पोर्शन अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे जो थायोल ग्रुप्स हैं उन्होंने आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया होगा. ये चीज सबको पता है ना कि इसको हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं. जब दो सिस्टीन या किसी भी दो थायोल ग्रुप कंटेनिंग यूनिट के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में. ये पॉइंट क्लियर है या बताने की जरूरत है? बोले बच्चों, बता दे मैम. मैम ये नेक्स्ट में बता दीजिएगा. नहीं जी, मैंने ये आज क्लियर करना है. ये मैंने पूरा पार्ट आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से बेशक बता दूंगी, लेकिन आज मैंने इसे कवर करना. तो अगर मीटिंग दोबारा से भी मुझे इनिशिएट करनी पड़ी तो आप लोग बोलेंगे. हमें ये पता है कि ड्यूरिंग द ओके मैम, क्योंकि ये पॉइंट आज ही क्लियर कर लें वरना फिर चीजें मुश्किल हो जाती है समझना. ठीक है मैम, आप करें. हमें ये चीज पता है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू द प्रोटीन हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं. ऐसे ही है ना? वन अमाइनो एसिड विद द पेप्टाइड बॉन्ड विद द सेकंड अमाइनो एसिड इज लिंक्ड विद द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है. ये बात सबको पता है? यस. और जो साइड चेन्स हैं, साइड चेन इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी साइड चेन जो है वो इसके अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुई होती है. सपोज आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन के दौरान फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है इट इज सिस्टीन, और इसमें जो आपके पास रिएक्टिव ग्रुप है इट इज SH ग्रुप. फर्स्ट चीज आप इसको सेकेंड या थर्ड कह रहे हैं बिकॉज मोस्टली फर्स्ट अमाइनो एसिड में क्यों नहीं होता, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ठीक है? सपोज इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आपके पास जो पहला अमाइनो एसिड है इट इज सिस्टीन, और इसमें यू हैव अ रिएक्टिव ग्रुप, द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज थायोल, ठीक है? इसी तरह से 10th पोजीशन के ऊपर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है अगेन इट इज अ सिस्टीन. एक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में मल्टीपल टाइम्स आ सकता है ना? यस मैम. सो फर्स्ट पोजीशन पे सिस्टीन है, 10th पोजीशन पे सिस्टीन है, लीनियर चेन जैसे ही बन गई अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगी, यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाने के लिए अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्वायर करने के लिए प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस अडॉप्ट करती है, यानी लीनियर चेन अपने ऊपर डिफरेंट इंटरेक्शन बनाते हुए एक जो है वो ग्लोब्यूलर या फाइब्रस फॉर्म जो भी उसने अटेन कर लिया उस फॉर्म में चली जाती है. अब ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सपोज आपके पास जो फर्स्ट पोजिशन के ऊपर सिस्टीन था ये सामने आ गया है 10th पोजिशन के ऊपर जो सिस्टीन था उसके, यानी ये दोनों अमाइनो एसिड्स एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू हो गए और इनके जो थायोल ग्रुप्स हैं दे आर फेसिंग ईच अदर, यानी इनके जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए. जैसे ही ये रिएक्टिव ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे इनके दरमियान एक बॉन्ड डिस्टेंस डेवलप हो जाता है. हमें पता है कि दो ग्रुप्स के दरमियान अगर डिस्टेंस एक खास हद से कम हो जाए तो वो बॉन्ड बना सकते हैं, उनमें बॉन्डिंग का पोटेंशियल आ जाता है. तो अब क्या होगा, ये दोनों दोनों जो थायोल ग्रुप्स हैं अभी ये अपनी रिड्यूस फॉर्म में है. रिड्यूस फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? रिड्यूस फॉर्म. बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम. इस
इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ थायोल जब अभी उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बना. जैसे ही इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा इतना कम हो गया है कि ये एक दूसरे को अप्रोच करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, सो अब क्या होगा, ये दोनों ग्रुप्स अपना अपना जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है उसे ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे और आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज डाई सल्फाइड बॉन्ड बिकॉज इसमें दो सल्फर एटम्स प्रेजेंट हैं. और ये बॉन्ड तब बना है जब दोनों थायोल ग्रुप्स ने अपनी ऑक्सीडेशन करवाई है. ऑक्सीडेशन मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही. ठीक है बच्चों? यस. सो ये yes, जो फॉर्म आपके पास यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये फॉर्म ड्रॉ की है, ये थायोल ग्रुप की ऑक्सीडाइज फॉर्म है, जबकि ये फॉर्म जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ये कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है. रिड्यूस. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है, ये जो थायोल ग्रुप्स हैं ये अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट है. ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा. मैं दोबारा से सेशन जनरेट करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ ताकि इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम बाकी दो जो इंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी भी देखें. ठीक है? हार्डली ये 10 से 15 मिनट्स लेगा. ठीक है बच्चों? ओके.